फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S24 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल अगर सेंड नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल सेंड नहीं हो रही है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ना फाइल का ये वाला ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसके ठीक सामने आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें ऐप इन्फो पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला काम आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आप चालू रखिए, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है, यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। यहां पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक काम ये भी करना है कि मोबाइल फोन का सिम कार्ड जो है मोबाइल से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगाना है। ध्यान रखिएगा, सिम कार्ड को सिम ट्रे की स्लॉट 1 में लगाना है, ठीक है। उसके बाद फोन के अंदर डाल देना है, इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप होता है इसे उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज आएगा, इसमें आपको कोने में ये जो सर्कल के अंदर आई बटन बना हुआ नजर आ रहा है इसे टैप करना है। तो आपका ये वाला पेज आता है, इसमें आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला काम करना क्या है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की कॉल जो सेंड नहीं होती है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके मोबाइल फोन की जो कॉल सेंड नहीं होती है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।